हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो है जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, तो उनके आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आंसर मैं मैसेज में देता हूँ, बट उनका कहना है सर पब्लिकली जो भी आंसर है वो दीजिए, तो उसके वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। अभी एक सर का क्वेश्चन है कि मैं अपनी जो इन्वेंट्री है उसको कैसे मैनेज करता हूँ एज अ डीलर। सर, मैंने एक प्रोडक्ट वाइज एक फाइल बना रखी है, स्टॉक फाइल, जो मैं डेली बेसिस पर उसको अपडेट करता रहता हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे स्टॉक मेंटेन करने में। अभी दूसरा जो क्वेश्चन सर का है कि मैं एज अ डीलर कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, एशियन भी अच्छी है, नैरोलैक भी अच्छी है, बर्जर भी अच्छा है, सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे सजेस्ट करूँगा कस्टमर को। सर, कस्टमर तीन तरीके के होते हैं। पहले जो सर घर से ही अपना मूड बना के आते हैं कि उनको एशियन पेंट ही परचेज़ करना है या बर्जर पेंट ही लेना है या नैरोलैक ही लेना है, वो वही पेंट परचेज़ करेंगे। आप कोई सा भी प्रोडक्ट सजेस्ट करो सर, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे कस्टमर के लिए सर हमको सारे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं अपनी शॉप में, ताकि सर कस्टमर का पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट वो डिमांड में आ जाए। अभी दूसरे टाइप के जो कस्टमर होते हैं सर, वो पेंटर के कहने पर आते हैं कि पेंटर ने बोला है तो सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको वो भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हम उनको सजेस्ट करते हैं पर वो नहीं मानते हैं, तो उनको जो पेंटर बोलते हैं वो प्रोडक्ट उनको देना पड़ता है। सर, तीसरे ऐसे कस्टमर बहुत कम आते हैं जो आके बोलते हैं सर कि आप अपने हिसाब से दे दो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप पेंट सजेस्ट कर दो। अभी वैसे जब मैं अगर अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ किसी कस्टमर को, तो जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है किसी कंपनी का, एशियन का हुआ है या बर्जर का हुआ है, तो कस्टमर को पता नहीं रहता है कि कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ डीलर कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो कस्टमर को बताएं, उसके बेनिफिट्स उसको बताएं। अभी JSW मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि JSW में अगर आप किसी भी कंपनी का डिस्टेंपर परचेज कर रहे हैं और डिस्टम्पर के रेट में आपको JSW इमल्शन दे रहा है, तो यार मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर डिस्टम्पर पे जाएगा। ये आप पैसे समझ सकते हैं, मैं आपको स्विफ्ट डिजायर ऑफर कर रहा हूँ उसी रेट में, और आप जिद पकड़े हुए कि आपको 800 ही चाहिए, तो यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टम्पर की जो लाइफ है वो 1 साल है और इमल्शन की जो लाइफ है वो 3 साल है, तो JSW यहाँ पे कड़ी टक्कर देगा डिस्टम्पर को, शायद अब प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। अभी जो दूसरा इनका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इनका जो एनी कलर वन प्राइस कॉन्सेप्ट, आप कोई सा भी कलर बनवाइए एक ही प्राइस में, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पेंट कंपनियों में। एक टाइम था जब टेलीकॉम में आइडिया और वोडाफोन ने बहुत ज़्यादा रेट हाई कर रखे थे, उस टाइम जियो आया, सारा टेलीकॉम सेक्टर हिल गया और जियो एक मार्केट लीडर बन के उभरा। सेम एक टाइम पे नोकिया था मोबाइल फोन्स में, एक टाइम पे सर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी नोकिया की, बट वीवो ओप्पो आया, मार्केट ख़त्म। सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है JSW आया है मार्केट में तो बाकी कंपनियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि हाई कंपटीशन है सर, एकदम टफ है। आपको डिस्टम्बर के रेट में इमल्शन ऑफर कर रहे हैं, वो भी 20 kg सेम क्वांटिटी में, डिस्टम्बर के रेट में इमल्शन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर जाएगा डिस्टम्बर में। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।